अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकार का बात नहीं बता रहे, आप सही कर रहे हैं, परमिट नहीं तो अधिकार नहीं है सर, मेरी बात समझिए। ये तस्वीरें वाराणसी के सारनाथ से आई हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ काम है आपसे बात करूं क्या कि हमको पूजा करने ले दिया जा रहा है। बात बात कर सर, अभी देखिए तो आप, मैं आप मेरी बात समझा रहा हूं। वही सारनाथ जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला संदेश दिया था, वही सारनाथ जहां से धम्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई थी, वही सारनाथ जहां से निकलकर बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन अब उसी सारनाथ पर बौद्ध अनुयायियों को जाने से भी रोका जा रहा है। मतलब दुख है इस बात का कि हम तो आज धरने पर बैठना, मतलब इस पे ऐसे मतलब पलटी मार के बैठना पड़ा इस सारनाथ। बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले बौद्ध भिक्षुओं को बौद्धों की पवित्र नगरी सारनाथ के स्तूप पर ध्यान साधना करने तक की इजाजत नहीं है। जो हम लोग बौद्ध महातीर्थ मानते हैं, अपने आस्था के केंद्र मानते हैं, हम उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं। आप दर्शन करने करने तो नहीं, तो हम वहाँ पे बैठ कर ध्यान नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ बैठ के पूजा नहीं कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं क्यों नहीं करेंगे भाई? आप ऑनलाइन बात करिए, नहीं रिकॉर्डिंग तो करेंगे ना। आप ये बताइए, जो हमारा धर्म स्थल है, जो हमारा महातीर्थ है, हमारे श्रद्धा के केंद्र है, अगर हम वहाँ मतलब जा नहीं सकते हैं, वहाँ बैठ कर ध्यान नहीं कर सकते हैं, जाने के लिए कौन मना किया? ध्यान नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, नहीं समय से कर रहे, टाइम ओपनिंग का टाइम नहीं, हम ओपनिंग टाइम से अगर आए तो नहीं, ओपनिंग टाइम से ही अगर जाएं तो हमें ध्यान करने दिया जाएगा नहीं करने दिया जाएगा? ध्यान तो वही परमिशन लेना पड़ेगा, पूजा करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ये है हम प्रॉब्लम। नहीं तो वो मेरा निबुन में होता तो मैं दे देता, वो डीजी एस आई निबुन में होगा। अच्छा मतलब हम बौद्धों को जो है अभी ये बातें मत करिएगा प्लीज। अगर रूलिंग है तो उस रूलिंग को बता दे। नहीं हम यही कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं कि हम जो संसार के बौद्ध लोग हैं उनको मतलब अपने धर्म स्थल पर हम ध्यान और पूजा करने से वो बात देखिए पनिसी मैटर है, आप सरकार को कोर्ट दिया, सरकार तो बता सकती है, तो हम मतलब हमें अधिकार नहीं है। दरअसल बुधवार को सारनाथ के पुरातात्विक खंडर परिसर स्थित धमेक स्तूप पर बौद्ध अनुयायियों का एक दस्ता बौद्ध धम्म से जुड़ी ध्यान साधना करने पहुंचा था, लेकिन पुरातात्विक विभाग ने उन्हें ये कहकर अंदर जाने से रोक दिया कि धमेक स्तूप पर पूजा नहीं की जा सकती और अगर बौद्ध भिक्खु वहीं ध्यान साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए 15 दिन पहले दिल्ली स्थित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस से लिखित में परमिशन लेनी होगी। सुनिए एएसआई के सुपरिटेंडेंट अविनाश मोहंती ने क्या कहा। अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकार का बात नहीं बता रहे, आप तो ही कह रहे हैं परमिट नहीं तो अधिकार नहीं है सर, मेरी बात समझिए, जो रूलिंग है रूलिंग बता दिया गया, अब ये बात समझ लीजिए सर आप, ठीक है? अब जो भी रूलिंग से है जो बताया सर आपने, कहने का मतलब 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले आप दीजिए डीजी मैडम पर, मतलब जो लोग यहाँ पूजा करने आएंगे दर्शन करने आएंगे 15 दिन पहले सूचना देकर के आएंगे यहाँ पे, आपका कहने मतलब है ना, पूरा रिकॉर्ड करो यार, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड करते हैं पूरा, विदेश से भी लोग आते हैं तो उनको मतलब वो अनुमति लेकर के आएंगे तब यहाँ पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, दर्शन आप जो ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग टाइम है उसमें कर, मतलब पूजा नहीं कर सकते, धर्म स्थल ही है सर ना, अविनाश मोहंती सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजी, अविनाश मोहंती नाम है। ये सही अधिकारियों ने बौद्ध भिक्षुओं को अंदर नहीं जाने दिया तो वो गेट पर ही धरने पर बैठ गए। धम्म शिक्षण संस्थान के संस्थापक भिक्खु चंदिमा जी ने एएसआई अधिकारियों से जो सवाल पूछा वो भारतीय गणराज्य में संविधान के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता पर सवालिया निशान लगाता है। ये देखिए हाईलाइट किया गया है उसमें, आप मोदी जी जो हाईलाइट किए हैं जिसमें लिखे इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई स्मारक जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है अपने स्वरूप से असंगत किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। इसमें तो लिखे पूजा का स्थान पवित्र स्थान है, स्वरूप तो पूजा हुआ सर ना, उससे अलग क्या हो रहा है? ये तो लिखा ही है, कहां लिखा हुआ है? ये तो लिखा है, इसमें लिखे हैं कि जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है या कुछ भजन, अरविंद जी इसमें तो लिखा है जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है, ये तो पूजा का स्थान पवित्र स्थान तो है ही हमारा, तो इसमें कह रहे हैं अपने स्वरूप के असंगत किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा तो इसके इसका स्वरूप क्या है? इसके स्वरूप के असंगत, एक मिनट, आप स्वरूप के असंगत, असंगत क्या क्या मतलब? जैसे फूल मूर्ति फूल माला ले जाना, मूर्ति ले जाना, इस विषय पे आप बैठ के पूजा नहीं करते, असंगत होता है,
एक संगत एक असंगत है। संगत मतलब पूजा स्थल के अनुरूप हम एक गर्मी जी, संगत का मतलब यह है पूजा स्थल के अनुरूप हम ले जा सकते हैं, असंगत यानी पूजा स्थल के अनुरूप नहीं ले जा सकते हैं। नहीं परमिशन नहीं हो सकती नहीं तो इसमें असंगत मतलब क्या, हम कहाँ यहाँ पूजा पे असंगत मतलब हम जो पूजा करने जा रहे हैं ना असंगत। अभी कितनी चीजें हैं आपके यहाँ के लिए? एक तो आपने 16 नंबर रूल रूलिंग दे दी, ठीक है आप उससे बात कर लीजिएगा। ठीक है सर, हम इस पे बात कर लेंगे। सज्जन साहब जरा असंगत का मुझे मतलब समझा देना। मैंने आपसे ये भी बोला मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा। धमेक स्तूप का रख रखाव ASI के अधीन है, लेकिन भारत में 651 हिंदू मंदिरों की देखरेख भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन 651 हिंदू मंदिरों में भी हिंदुओं को पूजा पाठ करने से पहले इजाजत लेनी होती है? अगर नहीं तो फिर बौद्ध अनुयायियों पर बौद्ध स्थलों में जाने और धम्म क्रिया करने के लिए इस तरह की बेतुकी शर्तें क्यों लगाई गई हैं? बौद्ध स्थलों पर बौद्ध अनुयायियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि आप पूजा करने के पहले आप परमिशन लेकर के आइए। मैं आर्कियोलॉजी से और आप सब लोगों से मैं इतने जानना चाहता हूँ कि आप अपने किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो क्या आप परमिशन लेकर के जाते हैं? क्या आप वहाँ के SHO को बताते हैं, वहाँ के DM को बताते हैं, वहाँ के SDM को बताते हैं, वहाँ के SSP को बताते हैं? अगर ऐसा कोई आप सभी लोग करते हैं तो मैं लिखित तौर पर यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है, यहाँ का जो प्रशासन है, मैं पूजा की अनुमति मांगता हूँ। और अगर बिना लिखित आदेश के, बिना कोई एप्लीकेशन दिए आप सभी लोग अपने अपने धर्मस्थलों पर पूजा करने जाते हैं, उसके दर्शनार्थ जाते हैं, तो कृपया हम लोगों को भी, हम बौद्धों को भी ये अधिकार प्राप्त हो कि हम अपने धर्मस्थलों पर बिना रोक टोक के जाकर के ध्यान कर सके, हम जाकर पूजा पाठ कर सके। धन्यवाद। इसमें लिखा हुआ है सर, ASI और पुलिस ने बौद्ध भिक्षुओं को धमेक स्तूप में ध्यान साधना की इजाजत नहीं दी। इस दौरान बौद्ध भिक्षु और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई। फिलहाल बौद्ध भिक्षुओं ने धरना खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने बड़े आंदोलन की बात कही है। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि अगर हमें धमेक स्तूप पर जाने से रोका गया तो हम आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।